हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की मेरी नई वीडियो है दम आलू। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं, कुछ टिप्स जिससे दम आलू एकदम टेस्टी बनेंगे। और चलिए देखते हैं दम आलू बनाने की रेसिपी। दम आलू बनाने के लिए मैंने यह 10 से 12 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और आलू को मैंने बॉयल कर लिया है पहले ही सिर्फ एक विसल के साथ। आप चाहे तो ऐसे ही आलू ले सकते हैं। सभी आलू को फॉर्क की हेल्प से प्रेक कर ले, इससे क्या होगा जो हम ग्रेवी बनाएंगे वो आलू एब्जॉर्ब कर लेंगे और आलू हमारे जो है बहुत सॉफ्ट बनेंगे। दम आलू बनाने के लिए बड़े साइज़ के आलू ना लें। अब मैं एक पैन में मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, सरसों का तेल, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल डाला है और मैं अपने आलू को जो है वो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो आलू को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिर्फ आलू को शैलो फ्राई कर रही हूँ। आलू थोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप चाहे तो और ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब सेम कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम दम आलू की ग्रेवी रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मोटा मोटा काट लिया है। थोड़े से काजू लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली है लंबी कटी हुई और उन सभी को अच्छे से फ्राई करूँगी मैं। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लगेगा अब हम उसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के। टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक अच्छे से पकाएंगे। जितना आप अच्छे से टमाटर प्याज को भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए ध्यान रखें टमाटर प्याज को अच्छे से भूनें। टमाटर प्याज अच्छे से भुन गया, अब गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे एक ब्लेंडिंग जार में या फिर एक चॉपर में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। टमाटर प्याज को पीस कर एक पेस्ट बनाना है, पानी बिल्कुल भी ना डालें। टमाटर प्याज को थोड़ा ठंडा होने दें तभी ब्लेंडिंग जार का ढक्कन बंद करें। अब सेम कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 10 से 12 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 3-4 लौंग और आप चाहे तो बड़ी इलायची और दालचीनी भी डाल सकते हैं। मसालों को थोड़ा भून लें ताकि जो उनका फ्लेवर है वो तेल में एब्जॉर्ब हो जाए। और जैसे ही मसाला पक जाएगा उसमें हम अपना पेस्ट डालेंगे जो हमने पहले बनाया था। पेस्ट को थोड़ा सा भून लें और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने सूखे मसाले। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च। देगी मिर्च में तीखा कम होता है इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, इससे कलर अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब सभी मसालों को अच्छे से मिला दें और अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा पानी डालकर पकने दें। अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी सूखी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो डबल हो जाता है। अब ग्रेवी को 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दें। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, पानी को थोड़ा बॉईल कर लीजिए, उससे सब्ज़ी का टेस्ट और अच्छा आएगा। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। मैंने ग्रेवी के लिए 3 कप पानी यूज़ किया है, आप चाहें तो ग्रेवी को अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। अब इसमें नमक डाल दें और फिर जो हमने आलू हमारे शैलो फ्राई किए थे वो डाल दें। आलू डालकर कढ़ाई को ढक दें और 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दें। 15 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी जो है वो थिक हो चुकी है, ग्रेवी को इससे ज़्यादा थिक ना करें। इसमें 2 चम्मच घी डाल दें और 5 मिनट के लिए ढककर रख दें। दम आलू बनकर तैयार है। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।